मैं आज ये चौकीदार का भेद भी खोलने वाला हूं। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की, जो ये कहा करते थे कि सबका साथ और सबका विकास, वो बताएं कि जनता ने सबका साथ दिया, विकास सिर्फ अंबानी अडानी का कैसे हुआ? नहीं तो मैं बताऊंगा। फिर गिदड़ की मौत आती है, शहर की तरफ भागता है। नीरव मोदी की मौत आई तो वो डावोस में आपसे फोटो खिंचाने भागा। और मैं आज ये प्रूव कर दूंगा कि आपके सारे फायदे इन बड़े बड़े अमीर पूंजीपतियों के लिए हैं। आपने सरकारी, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उन्हें खत्म कर दी। कहां गए कसमे वादे प्यार वफा सब बातें थी, बातों का क्या है? कहां है वो? 2 करोड़ नौकरी, 90 लाख करोड़ रुपए जो स्विस बैंकों में जमा है वो वापस लाऊंगा। राजन लिस्ट 17 बंदों की, आरबीआई का गवर्नर, 17 बंदों की राजन लिस्ट, उसमें से एक आदमी पे कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई ने एफिडेविट दिया 30 लाख करोड़ का, 30 लाख करोड़ रुपए जो स्विस बैंकों में जमा है। जेठमलानी साहब का केस है, लिंकनस्टाइन बैंक का, जर्मनी का, 5 पैसे नहीं आए। मोदी जी, अगर आप सोचते थे कि ब्लैक मनी किसी ने कार की डिग्गी में छुपा रखी है या अपनी चारपाई के नीचे छुपा रखी है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्लैक मनी सोने चांदी के रूप में, ब्लैक मनी फॉरेन बैंक्स में, ब्लैक मनी प्रॉपर्टी में, ब्लैक मनी डॉलर, यूरो और पाउंड के रूप में विदेशों में छुपी हुई है। तो कहां है वो? कहां है वो बड़ी बड़ी बातें? आपने अपनी ब्लैक मनी यहां पे हिंदुस्तान में, अगर ब्लैक मनी थी तो 99.7% वापस कैसे आ गई? और जो विदेशों में पड़ी सी उसमें से एक पाई आई तो बताओ। मैं कहता हूं जिन लोगों की आप बात किया करते थे कि सबको नंगा करूंगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, अगर हिम्मत है मोदी जी तो बताओ आज देश को। अगर जीएसटी मुद्दा था, अगर जीएसटी के साथ नोटबंदी मुद्दा था, तो आप उन मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ रहे? इलेक्शन भाग क्यों रहे हो? आज आप डिफ्लेक्ट करने के लिए संस्थाएं सारी बर्बाद कर दी थी, अब फौज बची थी, फौज की आड़ में इलेक्शन लड़ोगे? सुना नाम है, सुना है सरहदों पे तनाव है, अरे जरा जाके तो पूछो क्या चुनाव है। यही तो सुमड़ी में घुमड़ी है। मैं आज ये चौकीदार का भेद भी खोलने वाला हूं। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की, जो चौकीदार की बात करते हैं, ये बता दें कि चौकीदार अमीरों के घर के बाहर खड़ा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के घर के बाहर खड़ा होता है या किसी गरीब की कुटिया के बाहर खड़ा होता है? बता दें, जो ये कहा करते थे कि सबका साथ और सबका विकास, वो बताएं कि जनता ने सबका साथ दिया, विकास सिर्फ अंबानी अडानी का कैसे हुआ? नहीं तो मैं बताऊंगा। फिर नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा कहां, कदरदान अंबानी अडानी जैसा। अरे दुनिया कहां जा रही है? चाइना समुंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है, और आप चौकीदार बना रहे हो, वो भी चोर सिरे के, कि अगर आप एक पेन लो तो उसका पक्का बिल लेना। तो जब राफेल के बिल की बात आती है तो आप बिल बिला क्यों जाते हो? बताओ ना कि आप राफेल के बिल के ऊपर बिल बिला क्यों जाते हो? और मैं बताता हूं आपको कि ऐसा इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं कि राफेल का प्लेन उड़ाना था और फाइल उड़ा दी फुर्र। ये कभी हुआ है? कभी सुना है? कभी सुना है कि भारत की सरकार नेगोशिएशन नहीं करेगी, नेगोशिएटर नेगोशिएट नहीं करेंगे, और एमओयू 7500 करोड़ में डूबी हुई कंपनी वो जाके साइन करके आएगा? एमओयू
साइन करके आएगा, 30,000 करोड़ का फायदा लेगा, उसकी डूबी हुई कंपनी का 10 रुपए का शेयर डसॉल्ट 1100 रुपए में खरीदेगा। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जनाब कि किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है। आज सब अखबारों में इसका चर्चा है। सबसे बड़ा धोखा आपने यह दिया है कि 136 जहाज जो 500 करोड़ के आने थे आपने उन्हें 36 कर दिया। आप खुद जाके आए वहां, किसी किसान, मोदी साहब आप शहीदों की बात करते हो, किसी शहीद के घर में मैंने आपकी फोटो आज तक नहीं देखी। आपने सरकारी, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उन्हें खत्म कर दिया। और जो मैं आंकड़े आपको देने वाला हूं वो आपको हैरान कर देंगे। मैं आपको बीएसएनएल सबसे पहले बात करता हूं। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जियो दंदना के साथ, दंदनादन के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। और जो हमारी सरकारी बीएसएनएल है वो 8,000 करोड़ के सालाना घाटे में जाए और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए, ये मैंने आज तक नहीं देखा। यही बात खत्म नहीं होती, ओएनजीसी 1,00,000 करोड़ सरप्लस मनी थी उनके पास। ओएनजीसी से रिलायंस ने केजी बेसन में टेढ़ी पाइप करके 11,000 करोड़ रुपए का तेल चुराया। शाह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप 11,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी के वापस कीजिए। आज तक वो पैसे वापस नहीं आए, क्यों? अरे मोदी साहब ये पक्षपात क्यों? किसान अगर 5,00,000 रुपए का कोई कर्जा लेता है, 5,00,000 का कर्जा लेता है तो आप उससे ब्लैंक चेक लेते हो, ब्लैंक चेक। फिर अगर वो 5,000 की पेमेंट डिफॉल्ट करता है उसका नाम कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लगाया जाता है, मुनियादी किराई जाती है, उसे जेल में ठोका जाता है। तो मुझे बताएं प्रधानमंत्री साहब आपका क्या नाता है अडानी साहब के साथ कि 1,00,000 करोड़ रुपया देनदारी है अडानी की, उसका ब्लैंक चेक आपने क्यों नहीं लिया? 46,000 करोड़ रुपया रिलायंस की देनदारी है, अंबानी साहब की देनदारी है, आपने उनसे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया? आपने सहारा श्री का बाजू मरोड़ा, पैसे जमा हुए, फिर आपने रिलायंस का बाजू मरोड़ा, पैसे जमा हुए, आपने थोड़ी सी घुरी की तो फट करके ये बड़े बड़े पूंजीपति पैसे जमा कराते हैं। तो ये कैसे हो गया कि आज जो मनमोहन सिंह सरकार में एनपीए 2,00,000 करोड़ के थे वो आज 17,00,000 करोड़ के कैसे हो गए? 17,00,000 करोड़ रुपया सरकार को चूना कौन लगा गया? क्या आप उनके साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने? आपने इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को 3,50,000 करोड़ की माफी दी पिछले साल, 3,50,000 करोड़ की 4 साल में। और अगर टोटल एनपीए देखें और सारे सरकारी बैंक हैं, 5% प्राइवेट बैंक है, सब सरकारी बैंक पॉलिटिशियनों की मिलीभुगत के साथ 17,00,000 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। आपने कभी वो पैसा वापस लाया? अब मैं आता हूं किसान के ऊपर। आपने कहा किसान की इनकम डबल कर देंगे, क्या डबल हुई? मैं आपको एक हैरान करने वाला फिगर देता हूं। 1970 में क्विंटल, एक क्विंटल की कीमत जो थी 70 रुपए थी, और एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 90 रुपए थी, उसकी तनख्वाह 400 गुना बढ़ गई, 500 गुना बढ़ गई, लेकिन किसान की एमएसपी सिर्फ 19 गुना बढ़ी। ये हैरान करने वाले वो हैं। पिछले 5 साल में 6,00,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े अरबपतियों को माफी दे दीजिए, आपने उनको इंसेंटिव कह दिया, किसान को अगर कुछ दिया तो सब्सिडी, उसको अंदर ठोका। आपने किया क्या है? यू रेट एबिलिटी इन मैन बाय व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। काबिलियत का आंकलन होता कि आपने कौन सा कार्य खत्म किया। क्या गंगा साफ कर दी?